बीजेपी का बेहद बड़े नेता, कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पास हो चुके हैं जनता के रिपोर्ट कार्ड में। लखन सिंह पटेल कांग्रेस प्रत्याशी फेल हो गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता प्रहलाद सिंह पटेल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। जनता के रिपोर्ट कार्ड में प्रहलाद सिंह पटेल पास हो चुके हैं, लखन सिंह पटेल फेल हो चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी। जी हां, प्रहलाद पटेल ने शानदार बड़ी जीत हासिल की। आपको बता दें कि नरसिंहपुर सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इससे पहले प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल ही यहां से लगातार कई बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में भाजपा इस सीट में अपनी जीत को लेकर पहले से आश्वस्त नजर आ रही थी। बीजेपी ने बेहद बड़े नेताओं को, बेहद बड़े केंद्रीय नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया था। उसी वक्त साफ हो गया था कि कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल की मैं आपको बात बता दूं कि 75,907 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड पे प्रहलाद सिंह पटेल पास हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंह पटेल 54,308 वोट लेकर फेल हो गए हैं, हार गए हैं। बेहद बड़ी सीट मानी जाती थी। प्रहलाद सिंह पटेल का जो चेहरा है, प्रहलाद सिंह पटेल को मुख्यमंत्री माना जा रहा था, उनका नाम मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में है। बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। जी हाँ, प्रहलाद पटेल को उस सीट पर उतारकर बीजेपी कई सीटों पर उनका प्रभाव छोड़ना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रही है। अब क्योंकि जीत मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत पार कर गई है, ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रहलाद पटेल का नाम अब मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए आएगा सामने या फिर नहीं। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट काफी लंबी थी, जिसमें से सिर्फ फग्गन सिंह कुलस्ते अभी तक बाहर हुए हैं। जितने नाम हैं उसमें से लगभग कई लोग जीत दर्ज करा चुके हैं, जिसमें से एक प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्होंने अपनी जीत दर्ज करा दी है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर खड़े उतरे हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जनता के रिपोर्ट कार्ड में पास हो गए। लखन सिंह पटेल कांग्रेस प्रत्याशी फेल हो चुके हैं। हमारे साथ जनता का रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।